सुबह उठना बहुत थोड़ा सा मुश्किल रहता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिटरमाइंड हो तो पॉसिबल है दोस्तों। अभी चलते हैं ग्राउंड की तरफ दोस्तों, सबसे पहले वॉकिंग करना है दोस्तों। वॉकिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा आप अब वार्म अप भी ज़रूरी है दोस्तों। वॉकिंग कर लो या फिर थोड़ा वॉकिंग करने के बाद थोड़ा रनिंग या फिर थोड़ा सा वार्म अप उस टाइप का कार्डियो वाला कुछ आप कर लीजिएगा। मैं ज़्यादातर वॉकिंग करता हूँ दोस्तों, वॉकिंग और फिर उसके बाद रनिंग, उसके बाद स्कीपिंग। एक कैप है और एक स्कीपिंग है दोस्तों। तो और चलते हैं ग्राउंड की तरफ और अपना शुरू करते हैं आज का दिन। दोस्तों वार्म अप बहुत ज़रूरी दोस्तों, वार्म अप और स्ट्रेचिंग आप ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, उसके बाद रनिंग ज़रूर करिएगा दोस्तों, रनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी करते हैं थोड़ा सा रनिंग। दोस्तों रनिंग हो गया, अभी करते थोड़ा सा स्कीपिंग, बहुत ज़रूरी दोस्तों, मैं ज़रूर करता हूँ स्कीपिंग। फैट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी दोस्तों स्कीपिंग, फैट अगर आप स्कीपिंग करोगे ना दोस्तों रेगुलरली तो आपका फैट लॉस बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। फिर स्कीपिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों फैट लॉस के लिए, फैट लॉस या फिर आप ये मान लो कि वेट लॉस के लिए या फिर और एक बहुत अच्छा एक वो है ऑप्शन है इसका वार्म अप का दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों स्कीपिंग। अब करते हैं दोस्तों मेन एक्सरसाइज मेरा जो है सपाटे, और खास करके स्टूडेंट भाइयों आप सब आप लोगों के लिए है ये वीडियो, बहुत ही कमाल का एक्सरसाइज वगैरह मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको फॉलो करिए। इसके तीन सेटअप जरूर मारिएगा दोस्तों। ध्यान में रखने वाली बात और बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप सांस कैसे लेते हो दोस्तों। तो जैसे आप चेस्ट अप करते हो दोस्तों उस टाइम पे आपको सांस लेना जोर से सांस दोस्तों, एक दिमाग का भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज दोस्तों, ये खास करके स्टूडेंट भाइयों आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बॉडी और माइंड का। आपका ब्रीथिंग सिस्टम बहुत जरूरी दोस्तों, तो ध्यान में इस बात को रखिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं सपाटे।
दोस्तों बात करते हैं दूसरा मेरा एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज दोस्तों, वो है हनुमान दंड। ध्यान में रखने वाली बात, इसका भी सेम प्रोसीजर है, सेम इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सांस कैसे लेते हो दोस्तों, और आपका पोस्चर, सांस लेने का सिस्टम और पोस्चर आपने सही कर लिया, 110% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। खास करके स्टूडेंट जो भाई लोग हैं, स्टूडेंट जो मेरे मित्र हैं, उनके लिए दोस्तों पूरे दिन बैठना हो तो आपको कमर आपका बिल्कुल आपका फ्रीज हो जाता है शाम तक रात तक सोते सोते, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा एक एक्सरसाइज दोस्तों। तो ध्यान में रखिए इस बात को कि सांस और इसका पोस्चर कैसा होना चाहिए दोस्तों। जैसे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट आते हो दोस्तों, तो इस पॉइंट में सबसे पहले आपको दूसरा सांस लेना दोस्तों इस तरह से। तो शुरू करते हैं दोस्तों मेरा दूसरा एक्सरसाइज हनुमान दंड। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है दोस्तों ये। दोस्तों मेरा तीसरा एक्सरसाइज है मिश्र दंड दोस्तों। मिश्र दंड इतना एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों, मतलब बॉडी का आपका पूरा एक बॉडी आपका इसमें पूरा इसमें कवर होता है दोस्तों, पूरा इंगेज रहता है बॉडी दोस्तों इसमें। सबसे पहले तो आपका चेस्ट हो गया, उसके बाद फिर आपका आर्म्स, और उसके बाद कोर भी आता है दोस्तों। ये कोर आपका इतना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे बॉडी में दोस्तों, इस कोर को भी ये एक इंगेज करता है दोस्तों, इतना अच्छा ये एक्सरसाइज दोस्तों। और लास्ट में आपका लेग्स में आपका जो ये थाई वाला जो पार्ट है ये इसको कवर करता है दोस्तों। तो मिश्र दंड इसको आप जरूर शामिल करिएगा दोस्तों। ध्यान में रखने वाली बात यही दोस्तों कि आप सांस कैसे लेते हो, इसमें भी सेम वही है, सांस आप जैसे आप चेस्ट अप होगा दोस्तों वैसे आपको सांस लेना जोर से, और पूरा एकदम दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना कि आप सांस आप पूरा भर रहे हो दोस्तों, एकदम दिमाग का एक अच्छा एक्सरसाइज है, खासकर स्टूडेंट दोस्तों के लिए, आपके लिए। देखते रहिए दोस्तों, कमाल का एक्सरसाइज है दोस्तों ये, तीन सेट इसका भी जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों चौथा एक्सरसाइज है मेरा राम मूर्ति दंड इतना एक इफेक्टिव दंड है दोस्तों, इतना एक अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों। इसमें ऐसा लगेगा दोस्तों आपका पूरा एक बॉडी आपका कंडीशनिंग हो रहा है दोस्तों, इतना एक अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात, जितना धीरे आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे दोस्तों उतना अच्छा मसल्स आपका डेवलप होगा दोस्तों। दोस्तों मेरा आज का पांचवा और लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है डायमंड पुशअप। ये आपको आपका जो आर्म्स है इसको हिट करता है दोस्तों, और आर्म्स में भी पर्टिकुलरली आपको ट्राइसेप्स को ही हिट करता है दोस्तों, ट्राइसेप्स को ही फोकस करता है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों डायमंड पुशअप। दोस्तों कूलिंग डाउन लास्ट में जरूर करिएगा दोस्तों, कूलिंग डाउन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज के बाद कूलिंग डाउन से आपका बॉडी में क्या आपको रिलैक्सेशन आप महसूस करेंगे, क्योंकि कोशिश करिएगा दोस्तों कि लास्ट में जाते वक्त थोड़ा सा कूलिंग डाउन या फिर स्ट्रेचिंग जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप बिगिनर हो दोस्तों तो धीरे धीरे स्टार्ट करिएगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक ही बार में आप बिल्कुल 100-200 पार कर जाओ, वो बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। धीरे धीरे आप शुरू करिए और धीरे धीरे ही आप अचीव करेंगे दोस्तों अपने लक्ष्य को।